This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Ummeed hai aap sab log khairiyat se hain. Aaj ke lecture ka pehla topic hai investments of company to be held in its own name. Aur dusra topic hum start karenge disclosure of interest. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम से. जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है. अब अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर कंपनी के अपने नाम से ही होनी चाहिए. So all investments made by a company, तो वो कंपनी के अपने नाम पे ही रखी जाएंगी क्योंकि कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसमें कानून इजाजत देता है कि कंपनी अपने नाम पे वो इन्वेस्टमेंट या वो शेयर्स रखने की बजाय किसी और पर्सन के नाम पे भी रख सकती है, मुंतकिल कर सकती है. तो वो एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे तीन दिए हुए हैं जिसमें से सबसे पहला के सबसे पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है जी, और अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि उस सब्सिडरी कंपनी के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जो स्टैट्यूट रिक्वायर करता है, मतलब लॉ जो रिक्वायर करता है, जो स्टैट्यूटरी लिमिट है कि उससे कम उस कंपनी के मेंबर्स नहीं हो सकते. तो अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स की जो स्टैट्यूटरी लिमिट है उसको पूरा करने के लिए के तादाद उस नंबर ऑफ मेंबर्स से कम ना हो जो लॉ ने रिक्वायर की है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए अगर होल्डिंग कंपनी शेयर्स में से कुछ शेयर्स किसी नॉमिनी के नाम पे लगा दे और उसको उस सब्सिडरी कंपनी का मेंबर बना दे ताकि उस सब्सिडरी कंपनी के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो पूरे किए जा सके, तो इस केस में होल्डिंग कंपनी ने अगर शेयर्स जो बेसिकली शेयर्स होल्डिंग कंपनी के नाम पे थे, सब्सिडरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी होल्डिंग ने, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी के पास थे और जाहिर सी बात है होल्डिंग कंपनी के अपने नाम पे वो शेयर्स रखने होंगे, लेकिन अगर सब्सिडरी कंपनी की जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसको पूरा करने के लिए होल्डिंग कंपनी कुछ शेयर्स किसी नॉमिनी के नाम पे मुंतकिल कर दे ताकि उसको मेंबर बनाया जा सके सब्सिडरी कंपनी का, ताकि वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पूरा किया जा सके, तो इस सूरत में ये अलाउड है. जैसे कि एग्जांपल के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर अंदाज में समझ लेते हैं. एबीसी लिमिटेड हैज होली ओन्ड सब्सिडरी. एबीसी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और इसकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब 100% शेयर जो है वो एबीसी लिमिटेड के पास है. किसके? एक्सवाईजेड लिमिटेड के. एक्सवाईजेड लिमिटेड इसकी सब्सिडरी है. अब एक्सवाईजेड लिमिटेड खुद एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है और जैसे कि आप जानते हैं पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो तीन होते हैं, कम अज कम तीन मेंबर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी के. तो अब यहाँ पे आप देखें सीन क्या है. यहाँ पे तो एक ही मेंबर है, एक्स वाई जेड कंपनी की एक ही मेंबर है, वो कौन है? इसकी होल्डिंग कंपनी, क्योंकि 100% शेयर्स उसी के पास है. अब दो मेंबर्स यहाँ पे कम है, जब तक वो दो पूरे ना होंगे तो ये पब्लिक कंपनी नहीं रह सकती. सो एबीसी लिमिटेड इज अलाउड टू होल्ड सम ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड के शेयर्स जो एबीसी के पास है, तो एबीसी को इजाजत है कि वो दो अदर पर्सन्स के नाम पे वो शेयर्स मुंतकिल कर सकती है ताकि पब्लिक कंपनी के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो पूरे किया जा सके. जी बताएं, ये पहला पॉइंट समझ आ गया जी सब लोगों को?
अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी एक्सेप्शन की तरफ। ये जो सेकंड एक्सेप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, पहले समझ लें फिर उसके बाद एग्जांपल की तरफ आते हैं। इस पॉइंट को पहले जुबानी समझ लीजिएगा। देखिए, अगर एक कंपनी के पास इस कदर शेयर्स हैं दूसरी कंपनी के, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के इतने शेयर्स हैं, इतनी शेयर होल्डिंग है कि उस दूसरी कंपनी में इन्वेस्टर कंपनी जो है वो अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। इन्वेस्टर कंपनी के पास इन्वेस्टी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी है, इतने शेयर्स हैं कि उस शेयर होल्डिंग की बुनियाद पे इन्वेस्टर कंपनी अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है इन्वेस्टी कंपनी के बोर्ड में। लेकिन अगर वो जो इन्वेस्टी कंपनी है उस कंपनी के रूल्स, उस कंपनी के आर्टिकल्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि इस कंपनी मतलब इन्वेस्टी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी डायरेक्टर होगा उसके अपने नाम पे शेयर्स होने चाहिए उस इन्वेस्टी कंपनी के। अब ये रिक्वायरमेंट तभी वो क्वालिफाई हो सकेगा कम इन्वेस्टी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर बनने के लिए। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर इन्वेस्टर कंपनी अपने शेयर्स में से कुछ शेयर्स उस नॉमिनी डायरेक्टर के नाम पे मुंतकिल कर दे ताकि उसे अहल बनाया जा सके, ताकि उसे क्वालिफाई ताकि वो क्वालिफाइड हो जाए, ताकि वो अहल हो जाए कंपनी इन्वेस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होने के लिए, तो कानून ने इसकी भी इजाजत दी है। तो इन्वेस्टर कंपनी जो कुछ शेयर्स किसी नॉमिनी डायरेक्टर के नाम पे मुंतकिल करेगी ताकि वह नॉमिनी डायरेक्टर इन्वेस्टी कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर बनने का अहल हो जाए, तो उन शेयर्स को क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 7 में देख लें आप, एबीसी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट की हुई है जी, एक्स वाई जेड लिमिटेड में 15% शेयर्स जो हैं वो एबीसी लिमिटेड के नाम पे हैं, और एबीसी लिमिटेड अब ये चाहती है कि मिस्टर अफजल को डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जा सके एक्स वाई जेड लिमिटेड के बोर्ड में एज नॉमिनी डायरेक्टर। अब एक्स वाई जेड कंपनी की आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है कि फकत वही पर्सन डायरेक्टर बन सकता है जिसके पास 10,000 शेयर्स हो, एक्स वाई जेड लिमिटेड के 10,000 शेयर्स जिसके पास हो कम से कम, वही एक्स वाई जेड के बोर्ड में डायरेक्टर बन सकता है। उन शेयर्स को क्या नाम दिया गया? क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो अब इसका मतलब है इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर एबीसी लिमिटेड उस नॉमिनी जिसको वो नॉमिनेट करके अपॉइंट करना चाहती है एक्स वाई जेड लिमिटेड के बोर्ड में, तो अगर एबीसी लिमिटेड अपने शेयर्स में से 10,000 शेयर्स उस नॉमिनी डायरेक्टर के नाम पे मुंतकिल कर दे, मतलब मिस्टर अफजल के नाम पे मुंतकिल कर दे, तो इसकी इजाजत है ताकि अफजल क्वालिफाई हो सके, अहल बन सके एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर बनने के लिए। चले आप बताएं जी, ये दूसरी एक्सेप्शन भी समझ आ गई है? कम ऑन बता दीजिए। ओके, अब आते हैं जी थर्ड एक्सेप्शन की तरफ। कहते हैं अगर एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी दूसरी कंपनी में या दूसरी कंपनीज में, अब अगर ये जो इन्वेस्टर कंपनी है ये कुछ शेयर्स सेल करना चाहती है, डिस्पोज ऑफ करना चाहती है, और उन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में डिपॉजिट करवा दिया गया। सो अगर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ये रिक्वायर करे, ये डिजायर करे कि वो जो सिक्योरिटीज हैं वो हमारे नाम पे मुंतकिल कर दें, हम बिकवा देंगे, आपको तो शेयर्स सेल चाहिए ना, तो वो हम बिकवा देंगे। तो अगर वो इन्वेस्टर कंपनी वो शेयर्स जो बिकवाना चाहती है सीडीसी के नाम पे मुंतकिल कर दे, तो इस केस में भी कानून इजाजत देता है कि ऐसा किया जा सकता है। उसकी रीजन ये है कि जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के नाम पे शेयर्स मुंतकिल किए हैं तो ये तो जस्ट एक सेल पर्पस के लिए किए हैं, ठीक है, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को ओनर नहीं बना दिया उन शेयर्स का, बेनिफिशियल ओनरशिप जो है वो उस इन्वेस्टर कंपनी के नाम पे ही होगी, ठीक है जी। जी जरा बता दें, ये भी समझ आ गई थी पॉइंट?
एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी ए है, कंपनी ए उसके पास शेयर्स हैं कंपनी बी के। अब कंपनी ए जो इन्वेस्टर कंपनी है, कंपनी बी इन्वेस्टिंग कंपनी है। अब कंपनी ए इन शेयर्स में से कुछ शेयर्स बेचना चाहती है, तो वो शेयर्स सीडीसी को जमा करवा दिए जाए। अब सीडीसी अगर ये कहे कि जी ऐसा करें, ये शेयर्स सीडीसी के नाम पे मुंतकिल कर दें, तो कंपनी ए अगर सीडीसी के नाम पे वो शेयर्स ट्रांसफर कर भी दे तो कोई बात नहीं, उन शेयर्स की बेनिफिशियल ओनर कंपनी ए ही तसव्वुर की जाएगी जब तक कि वो शेयर्स बिक नहीं जाते, जब तक कि सीडीसी वो शेयर्स बेच नहीं देती किसी और को। ओके हो गया जी। अब ये पास्ट पेपर का एक सवाल है जी, ये देख लें। पास्ट पेपर का सवाल भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। नसीर जो कि एक नॉन एग्जेक्यूटिव, जरा रिक्वायरमेंट बहुत गौर से पढ़नी है आपने, ये सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। नसीर जो कि एक नॉन एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर है ओटीएल का, वाइल रिव्यूइंग डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ओटीएल हैज शोन हिज कंसर्न्स ऑन द फॉलोइंग शेयर्स दैट आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ ओटीएल। इसने कुछ कंसर्न शो किए हैं, ठीक है, उन शेयर्स के बारे में कि जो कंपनी के अपने नाम पे नहीं थे। नंबर वन, 500 शेयर्स इन पार्क ट्रेवल्स लिमिटेड आर हेल्ड इन द नेम ऑफ रहीम हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ ओटीएल। और ये जो पीटीपीएल है इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ओटीएल। जी कुछ कहानी समझ आ रही है? ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम दो मेंबर्स का होना जरूरी है, और यहां पे एक ही मेंबर है, ठीक है, ओटीएल। एक बात, दूसरी बात कि 5,000 शेयर्स ऑफ टूअर्स एंड टूअर्स प्राइवेट लिमिटेड आर हेल्ड इन द नेम ऑफ सनी हु इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन टीटीपीएल बाय वर्चू ऑफ ओटीएल्स नॉमिनेशन। ओटीएल ओन्स 30% वोटिंग शेयर्स इन टीटीपीएल। अब वो कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस, तो रीजंस पूछी है उसने। सवाल का एक एक लफ्ज काबिल गौर होता है जी। सो कहता है कि एक्सप्लेन करें क्या पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ओटीएल इन द नेम ऑफ रहीम एंड सनी इन दोनों केसेस। तो पहले केस में वो देखते हैं रहीम के नाम पे शेयर्स क्यों रखे हुए थे, तो ये जरा देखिए जो एग्जांपल मैंने अभी क्लास में कोड की थी थोड़ी देर पहले उससे मिलती जुलती है ये। जरा पढ़ ले प्लीज इस लैंग्वेज को। जी, बिल्कुल अब्दुल्ला, वेरी गुड, शाबाश, यू गॉट इट। जी यहां तक हो गया है ना, जो हमने क्लास में अभी एग्जांपल डिस्कस की है उससे मिलती जुलती है ना। वहां पे पब्लिक कंपनी थी, तीन मेंबर्स, और यहाँ पे प्राइवेट है जिसके लिए कम से कम दो मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, इसी तरह ये जो सेकंड केस था ये टीटीपीएल वाला, इसको देखिए जरा। क्या याद है आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही पॉइंट डिस्कस किया था नॉमिनी डायरेक्टर वाला? अगर नॉमिनी डायरेक्टर के नाम पे कुछ शेयर्स लगाने पड़ जाएं ताकि उसको क्वालिफाई किया जा सके, उसको अहल बनाया जा सके इन्वेस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए, अपॉइंट करने के लिए, तो शेयर्स मुंतकिल किए जा सकते हैं। जी जरा बता दें बच्चों, समझ आ गया? ओके, बाकी लोग भी बता दें। चलें जी, ठीक है,
ओके जी, गुड हो गया, ओके आगे चलते हैं। रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट्स नॉट हेल्ड इन ओन नेम। जैसे कि हम ये बात लेक्चर के आगाज से ही डिटरमिन कर चुके थे कि कंपनी जो कि खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लिहाजा इसकी जो इन्वेस्टमेंट है दूसरी कंपनीज में वो इसके अपने नाम पे होनी चाहिए, अपने नाम पे रखनी चाहिए। लेकिन हमने अभी तीन एक्सेप्शनल केसेस पढ़े हैं कि उन तीनों एक्सेप्शनल केसेस में किसी और के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट रखी जा सकती है। तो इसी सिलसिले में अभी अगला टॉपिक आ गया है कि अगर कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किसी और के नाम पे मुंतकिल की ही नहीं है तो फिर इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और उस रजिस्टर के कंटेंट्स में क्या होगा, नेचर, वैल्यू एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी नेसेसरी फुल्ली आइडेंटिफाई टू अटेंड fully to identify such shares or securities. तो इन मकासद के लिए एक register maintain करना पड़ेगा जो कि registered office में रखा जाएगा, और ये जो register है it will be open for inspection. Members लोग जो है इस register को inspect कर सकते हैं without charge, और कोई और person अगर inspection करना चाहता है तो on the payment of fee वो इंस्पेक्शन कर सकता है, वो फी जो कंपनी ने इस मकसद के लिए फिक्स कर रखी होगी। और ये इंस्पेक्शन कब की जा सकती है, तो इस सवाल का जवाब है जी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, जो कंपनी के रूटीन के बिजनेस आवर्स हैं, ठीक है। और हर दिन कम से कम 2 घंटे के लिए ये रजिस्टर जो है ओपन रखा जाएगा ताकि इंस्पेक्शन करवाई जा सके। और अगर इस सिलसिले में कंपनी को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। अच्छा, इसके बाद सर्टिफाइड कॉपीज। रजिस्टर की या रजिस्टर के किसी पार्ट की सर्टिफाइड कॉपी भी रिक्वायर की जा सकती है। अब अगर मेंबर चाहे, मेंबर प्लीज देखिएगा, मेंबर के लिए ये सहूलत है, अगर कोई मेंबर कंपनी से ये रिक्वायर करता है कि जी मुझे रजिस्टर की या रजिस्टर के किसी पार्ट की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो प्रोवाइड कर दें, तो वो फिक्स्ड फी जो है कंपनी ने जो की है इस मकसद के लिए वो पे करे तो वो कॉपी ले सकते हैं। अभी जो सर्टिफाइड कॉपी है जो कि एक मेंबर ने रिक्वेस्ट की है, तो इसे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days वो प्रोवाइड कर दी जाएगी कंपनी की तरफ से, ओके। लेकिन जरूरी है कि ये कंपनी को रिक्वेस्ट करे कि मुझे इस रजिस्टर की या रजिस्टर के एक पार्ट की कॉपी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद ऑर्डर बाय रजिस्ट्रार फॉर अलाउइंग इंस्पेक्शन। देखिए, अगर एक मेंबर ने कंपनी से इंस्पेक्शन की दरख्वास्त की थी, रजिस्टर की इंस्पेक्शन की, लेकिन उसकी ये दरख्वास्त रिफ्यूज कर दी गई और उसका इंस्पेक्शन नहीं करवाई गई, या एक मेंबर ने रजिस्टर की कॉपी रिक्वेस्ट की थी और उसे कॉपी नहीं दी गई, तो ये कॉन्ट्रावेंशन है, ये वायलेशन है लॉ की। तो इस सूरत में वो जो बंदा है जिसको ये इनकार किया गया, वो मेंबर रजिस्ट्रार को शिकायत करे, कंप्लेंट करे, तो रजिस्ट्रार फिर ऑर्डर दे सकता है, कंपनी को कंपेल कर सकता है इमीडिएट इंस्पेक्शन के लिए, अगर इंस्पेक्शन रिफ्यूज की गई थी। और अगर वो कॉपी रिफ्यूज की गई थी तो फिर रजिस्ट्रार एक्शन दे सकता है कि इसको कॉपी मुहैया की जाए। जी बताएंगे, समझ आ गया जी? ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। डिस्क्लोजर लफ्ज भला कहां से निकला, डिस्क्लोज से, और ये जो इंटरेस्ट है ये वो मार्कअप वाला इंटरेस्ट नहीं है, सूद वाला इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुफाद वाला इंटरेस्ट है, अपने मुफाद को डिस्क्लोज कर देना। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, व्हाई टू डिस्क्लोज इन इंटरेस्ट और कंसर्न। तो पहले तो इस टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक है क्या। हम ये बात जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 से हम ये पढ़ते आ रहे हैं
के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के मेंबर्स के एजेंट्स तस्वुर किए जाते हैं, ठीक है। और मेंबर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान एक फाइडुशरी रिलेशनशिप पाया जाता है। फाइडुशरी रिलेशन का मतलब है एतिमाद का ताल्लुक, यानी मेंबर्स लोगों ने एतिमाद किया था डायरेक्टर्स पे उनको अपॉइंट करके कि वो जो फैसला करेंगे कंपनी के बेहतरीन मुफाद में करेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट को कंपनी के बिजनेस को बेहतर अंदाज में रन करेंगे। तो एक एतिमाद का रिश्ता है मेंबर्स और डायरेक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो अब अगर डायरेक्टर्स पे एतिमाद किया गया है तो इसका मतलब है कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करें, जो भी ट्रांजैक्शंस करें, वो गुड फेथ में करें और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में करें। अब फर्ज करें कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट है कि जो कंपनी किसी के साथ करने जा रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट या उस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, मतलब उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर का कोई मुफाद वाबस्ता है किसी भी तरह से, ठीक है। तो अब यहां पे फिर लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि उस डायरेक्टर का फर्ज बनता है कि वो अपने इस इंटरेस्ट को कंप्लीटली डिस्क्लोज कर दे, ठीक है, डायरेक्टर्स के सामने, अपने उस मुफाद को, अपने उस इंटरेस्ट को मुकम्मल तौर पर डिस्क्लोज कर दे, कुछ भी ना छुपाए। जो कंप्लीट डिस्क्लोजर जो है वो देना चाहिए, और उसकी रीजन ये है ताकि उस डायरेक्टर की जो इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उस पर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन या एतराज ना किया जा सके, ठीक है। उसकी कंपनी के साथ जो इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी है उस पर कोई डाउट ना किया जा सके। और इसी तरह लॉ ये भी चाहता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो बिटवीन कंपनी एंड डायरेक्टर। तो ये है जी पसे मंजर हमारा, वाई टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट और कंसर्न। अब इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, इससे आप बेहतर समझ जाएंगे कि किस किस्म का इंटरेस्ट हो सकता है। फर्ज करें एक लिस्टेड कंपनी है, इसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह शुरू करना था, कोई फैक्ट्री नई लगानी थी और उसके लिए कोई प्रॉपर्टी चाहिए थी, कोई लैंड चाहिए थी। जब तलाश किया गया तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जनाब पसंद आ गई, और जो मालूम किया गया कि ओनर कौन है ताकि उसे इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए बातचीत की जा सके, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके, तो पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी है इट रिलेट्स टू द स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर। अपनी ही कंपनी के एक डायरेक्टर की वो स्पाउस है। अब आप जानते हैं वर्ड स्पाउस दोनों मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, हस्बैंड के लिए भी, वाइफ के लिए भी। तो आगे बात आप समझ जाएं। तो जनाब वो डायरेक्टर, हम फर्ज करते हैं डायरेक्टर की स्पाउस का वो प्लॉट था, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कंपनी की जानिब से उस स्पाउस, उस ओनर ऑफ द प्लॉट के साथ निगोशिएशन की जाएगी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो वो डायरेक्टर जिसकी स्पाउस का वो प्लॉट है, उस डायरेक्टर का फर्ज बनता है कि वो ये बात डिस्क्लोज कर दे बाकी डायरेक्टर्स के सामने कि जनाब कंपनी उस प्लॉट की ओनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे इंटरेस्टेड फिर इस तरह समझा जाए कि वो मेरी स्पाउस का प्लॉट है, ठीक है। अब इंटरेस्ट भला क्या होगा, इसको फर्दर इलेबोरेट करते हैं। देखिए इंटरेस्ट इस तरह आ जाता है, ना चाहते हुए भी इंटरेस्ट आ जाता है, वो ये कि अगर हम कंपनी के साइड से देखें तो एज अ डायरेक्टर ही शैल बी वर्किंग फॉर द कंपनी, और उसे ये कोशिश करनी चाहिए कंपनी के बिहाफ पे कि वो बार्गेन करे एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर देखा जाए तो जो स्पाउस है उसकी, वो प्रॉपर्टी की ओनर है, और अगर उस एंड से देखा जाए तो जो सेलर होता है उसकी ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले।
ठीक है। तो एज अ स्पाउस ये एक ख्वाहिश और कोशिश होगी कि हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस जो है उस प्रॉपर्टी के लिए मिले। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सा आ गया है। तो जब कभी भी एक डायरेक्टर इस किस्म की सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाए तो उस डायरेक्टर को ये चाहिए कि कंप्लीट डिस्क्लोजर वो दे दे अपने जो कुलीग डायरेक्टर था उनको, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट है ये डिस्क्लोज करने के बाद इंटरेस्टेड डायरेक्टर फिर ही मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर्स मीटिंग, कि जिस डायरेक्टर मीटिंग में उस कॉन्ट्रैक्ट या उस ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कशन वगैरह हो रही होगी। तो बेहतर फिर यही है, और वजह आपको ये देखिए यहां बता चुका हूं, चूंकि सवाल इंटेग्रिटी का है, ऑनेस्टी का है। चलें जी, आप बताएं जरा, समझ आ गया? पहले हमने थ्योरेटिकली समझा था, अब हमने एक अच्छी सी एग्जांपल के जरिए भी ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। अच्छा, वेरी गुड जी, माशाल्लाह। आगे चलें। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस आर नॉट वैलिडेटेड बाय डिस्क्लोजर। मतलब ये है कि अगर किसी कानून की प्रोविजंस के तहत कंपनी के डायरेक्टर्स को फॉरबिड किया गया हो, मना किया गया हो, प्रोहिबिट किया गया हो कि वो कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो फिर वो जो कानून की प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगी, वो एप्लीकेबल होंगी, उन पे अमल किया जाएगा। अब अगर कोई डायरेक्टर उस प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन के करने से पहले डिस्क्लोज कर दे तो कानून कहता है कि ये डिस्क्लोजर काफी नहीं है। जब एक ट्रांजैक्शन है ही प्रोहिबिटेड अंडर अ लॉ, तो उसका डिस्क्लोजर करने से भी वो जो ट्रांजैक्शन है वो जायज तसव्वुर नहीं की जाएगी और वो ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ नहीं की जा सकेगी। ये तो ऐसा ही है ना जैसे कि कोई शख्स किसी को कहे कि यार तुम्हारे यहाँ चोरी करनी है, और बाद में वो बंदा चोरी कर ले और जब पकड़ा जाए तो वो ये कहे कि जनाब मुझे आप छोड़ दें, क्योंकि देखिए मैंने तो पहले बताया हुआ था, डिस्क्लोज किया हुआ था, तो जनाब आपका डिस्क्लोज कर देना आपके इस अमल को जस्टिफाई नहीं करता। जी जरा बता दिए, पॉइंट समझ आ गया बच्चों? ओके। इसी में देखे आगे वो कहता है कि इवन कोई अगर ऐसी ट्रांजेक्शन है कि जो प्रोहिबिटेड हैं, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और सर्टन ट्रांजेक्शन में कैरी एडिशनल अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी हो सकती है कि जिनके लिए हो सकता है कि कोई एडिशनल अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल कर दी जाए तो वो की जा सकती हो। खैर, वापिस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाला, तो यहां से वो दोबारा शुरू हो रहा है। कहते हैं अगर किसी ट्रांजेक्ट मतलब कंपनी किसी पार्टी के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड है या कंसर्न है, कोई उसका मुफाद वाबस्ता है, तो फिर उस इंटरेस्टेड डायरेक्टर को अपने उस इंटरेस्ट के बारे में कहाँ डिस्क्लोज करना होगा, किस फोरम पे? तो ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बोर्ड मीटिंग में अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करें। और इसके आगे देखिए वजाहत भी की गई है, कहते हैं कि अगर एक डायरेक्टर का कोई रिलेटिव भी कंपनी के उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो तो इस सूरत में भी जिस डायरेक्टर का वो रिलेटिव इंटरेस्टेड है तो वो डायरेक्टर ही इंटरेस्टेड कंसिडर किया जाएगा। अब रिलेटिव की इस्तिलाह को यहां पे देखें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वर्ड रिलेटिव में यहां कौन कौन से अफराद शामिल हैं, स्पाउस और चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में उसने कहा स्टेप चिल्ड्रन भी आ जाते हैं और पेरेंट्स, ठीक है। तो रिलेटिव को अच्छा किया गया, यहां पे वाजे कर दिया गया कि रिलेटिव में यही अफराद है। ओके हो गया जी, बता दें बच्चों? ओके।
आगे है टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर। अब वो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने ये इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना कब है, कहां करना है, ये आपको ऊपर बता चुका हूं यहां पे। अब आते हैं कब करना है, टाइमिंग क्या है, तो उसके बारे में ये तीन पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कंपनी के आर्टिकल्स में, कंपनी के रूल्स में ये बात थी कि कोई ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कस किया जाए, तो जाहिर सी बात है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल दी है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि जो कंपनी किसी पार्टी के साथ करने जा रही है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड भी है, तो आप चूंकि आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट को बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना ही है, तो इसका मतलब है जिस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में वो ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होना होगा, उसी बोर्ड मीटिंग में वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दे, क्योंकि कंपनी के रूल्स के मुताबिक डायरेक्टर की मीटिंग तो होनी है और उस डायरेक्टर्स की मीटिंग में उस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल भी रिक्वायर्ड है लॉ के तहत, रूल्स के तहत, ठीक है। तो उसी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दें, एक बात। दूसरी बात यह है, ये तो सेकंड पॉइंट है कि फर्ज करें फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में जब फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट हुई उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो अगर उस वक्त तक एक डायरेक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट पे इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था, कोई एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, किस वक्त, जब फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी थी इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, तो फिर वो कहते हैं इस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जाने के बाद जो ही उस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक उसका इंटरेस्ट अराइज हो जाए, तो इस इंटरेस्ट अराइज हो जाने के बाद जो अगली बोर्ड मीटिंग हो रही है कि जिसमें डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उस बोर्ड मीटिंग में फिर उस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर दिया जाए। जी बताएं, समझ आ गया? कम ऑन बच्चों। अच्छा, और थर्ड पॉइंट है कि अगर फर्ज करें आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी अरेंजमेंट या ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट के बनाने से पहले बोर्ड मीटिंग कॉल की जाए, डायरेक्टर्स की अप्रूवल ली जाए, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इफ सच ट्रांजैक्शन डज नॉट रिक्वायर डायरेक्टर्स अप्रूवल, तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर इंटरेस्टेड तो वो था उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनी ने करना है, लेकिन चूंकि उस कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन के लिए बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो बोर्ड मीटिंग होल्ड ही नहीं होगी, तो कंपनी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी ना फिर उस पार्टी के साथ, तो कहते हैं फिर इस कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट के बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होल्ड होगी, उस बोर्ड मीटिंग में फिर वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दे। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर अभी तक नहीं आया तो वो क्वेश्चन ये है कि अब क्या फायदा, अगर उसने कोई फायदा वगैरह उठाना हुआ तो वो तो उठा चुका होगा, बताएं क्वेश्चन बनता है, अब क्या फायदा फिर। जी तो अब इसका मैं आंसर देने लगा हूं। देखें, अगर उसने कोई फायदा वगैरह उठाया हुआ, नाजायज, अनड्यू, अनफेयर, तो आपको पता है हम इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में एक बात पढ़ चुके हैं, लैकिंग फाइडुशरी बिहेवियर, किस किस को याद आया? तो जनाब वो लैकिंग फाइडुशरी बिहेवियर वाला टैग लग जाएगा उसके ऊपर, और फिर वो he will cease to be a director, डायरेक्टर का ओहदा फिर छीन जाएगा उससे, ठीक है। क्योंकि उसकी जो इंटेग्रिटी थी कंपनी के साथ वो
उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका हुआ है। तो इसलिए क्योंकि ये बातें सब डायरेक्टर्स को पता होती हैं, इसलिए कोई भी डायरेक्टर ये रिस्क नहीं लेगा डिस्क्लोज ना करने वाला। अच्छा, इसके बाद है जनरल नोटिस। इसका मतलब ये है, बल्कि मैं एग्जांपल के जरिए ये बात आपको समझा देता हूं। फर्ज करें एक कंपनी ए का एक मेंबर है, बल्कि मेंबर ही डायरेक्टर, जो कि आप डायरेक्टर की इसमें बात कर रहे हैं, कंपनी ए का एक डायरेक्टर है, पर एट द सेम टाइम ये कंपनी बी में भी डायरेक्टर है, ठीक है, या कंपनी बी में ये मेंबर है, या कंपनी ए में डायरेक्टर है और किसी फर्म का पार्टनर है, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन जरा जहन में रख लें। कंपनी ए में डायरेक्टर है और एट द सेम टाइम कंपनी बी में भी या तो डायरेक्टर है या मेंबर है या किसी फर्म का पार्टनर है। अब कंपनी ए और कंपनी बी या कंपनी ए या वो फर्म, इनके बीच में ट्रांजैक्शंस होनी है। मिसाल के तौर पे कंपनी ए जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करती है उसको रॉ मटेरियल कंपनी बी से आता है या उस फर्म से आता है जिस फर्म के अंदर वो डायरेक्टर साहब पार्टनर है। तो इसका मतलब ये तो ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली होनी है ना। तो रॉ मटेरियल हो सकता है 15-15 दिन के बाद आता हो या महीने महीने के बाद आता हो, तो ये तो फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन होनी है। तो ये बहुत अजीब लगेगा कि जो ही कंपनी ए कंपनी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो वो जो डायरेक्टर साहब है वो नोटिस दे रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो कि यार कंपनी बी के अंदर मैं डायरेक्टर हूं, लिहाजा मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आई शुड बी कंसीडर्ड एज इंटरेस्टेड डायरेक्टर, और फिर 10-15 दिन के बाद फिर ट्रांजेक्शन और फिर वो डिस्क्लोज करें, तो इट विल बी ऑकवर्ड, ठीक है आई सपोज। तो इस किस्म की सिचुएशन का फिर बेहतरीन हल ये है कि एक जनरल नोटिस दे दिया जाए जो कि पूरे साल के लिए इफेक्टिव होगा, जिसका मतलब है कि जी ये है कंपनी बी जिसमें मैं डायरेक्टर हूं, ये मतलब उधर भी डायरेक्टर हूं या मेंबर हूं या उस फर्म का पार्टनर हूं। अब कंपनी ए जब जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, चाहे महीने में 2 कॉन्ट्रैक्ट करें, जितने मर्जी करें, सो उस कॉन्ट्रैक्ट में जनाब मुझे इंटरेस्टेड डायरेक्टर कंसिडर किया जाए, तो इस ऐसे नोटिस को बोलते हैं जनरल नोटिस। और ये नोटिस जो है ये डायरेक्टर्स की मीटिंग में दिया जाना चाहिए, खुद डायरेक्टर दे दे या एटलीस्ट डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये नोटिस भेज दे ताकि वहां पे ये पढ़ के सुना दिया जाए, ठीक है। और ये जो जनरल नोटिस है फिर ये जैसे मैंने अभी कहा एक साल के लिए काफी होगा, तो ये नोटिस फाइनेंशियल ईयर एंड में एक्सपायर हो जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर में ये नोटिस दिया गया था, उस फाइनेंशियल ईयर के आखिर में ये एक्सपायर हो जाएगा और फिर इसे रिप्लेस किया जा सकता है बाय फ्रेश नोटिस। और ये फ्रेश नोटिस कब देना है, इन लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर ये वाला जो नोटिस है ये अगले साल के लिए वैलिड हो जाएगा। जी जरा बता दें, बात समझ आ गई बच्चों? ओके ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू पार्टिसिपेट और वोट। कहते हैं अगर एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, वो जो पहले वाली केस था, पहले वाला वो प्लॉट वाला, मतलब उस तरह का कोई मामला था, तो अगर एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया तो फिर बाद में अब उस इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने ये 3 काम नहीं करने। कौन से वाले? एक तो उस बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले सकता ये। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में जब उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर कोई वोटिंग वगैरह का टाइम आएगा तो वोटिंग में बाकी तमाम डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता।
जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, और तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आपको पता और भी कई मैटर्स होंगे जो डिस्कस होने होंगे, लेकिन जब इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने का टाइम आएगा तो इस वक्त फिर इसे कोरम में भी काउंट नहीं करेंगे उस इंटरेस्टेड डायरेक्टर को। जी बता दिया, मैंने नंबरिंग भी की हुई है, तीनों बातें आपको समझ आ गई। ओके, और अगर इसने वोट दिया तो इसका वोट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और इससे भी दिलचस्प सूरत हाल है, कहते हैं अगर वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी का था, ठीक है, तो फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के उस हिस्से में जिस पार्ट में वो ट्रांजैक्शन डिस्कस हो रही है, उस पार्ट ऑफ मीटिंग में ये वहां मौजूद ही नहीं होगा, ये वहां प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। बता दें यार, समझ आ गया? कम ऑन। अच्छा, इसके बाद अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट कोई ऐसा है कि जिसमें एक नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो, तो फिर इस सूरत में इस मैटर को जनरल मीटिंग के सामने पेश किया जाएगा अप्रूवल के लिए। ये बिफोर का मतलब के पहले नहीं है, से पहले, बल्कि इसका मतलब है के सामने, मतलब फिर इस मैटर को जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने पेश किया जाएगा ताकि उनकी अप्रूवल हासिल की जा सके। बताइए, समझ आ गई? ओके जी। इसके बाद एक्सेप्शन, कहता है ये जो अबव प्रोविजंस हैं, ये वाली, ये जो हमने तीन रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी हैं, कहते हैं ये वाली प्रोविजंस, ये जो अभी हमने ऊपर प्रोविजंस पढ़ी हैं, ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी इन सर्कमस्टांसिस में। मतलब क्या कि वो जो तीन चीजें थी वो यहां पे अप्लाई नहीं होंगी। कहते हैं अगर एक पर्सन एक ऐसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है कि जो प्राइवेट कंपनी ना तो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है ना किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है, तो उस पर्सन पे फिर वो प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। मतलब वो बंदा फिर ये काम कर सकता है, डिस्कशन में हिस्सा भी ले सकता है, वोट भी दे सकता है, कोरम में भी उसको काउंट करेंगे। और दूसरी एक्सेप्शन है कि अगर एक डायरेक्टर अपनी कंपनी के लिए श्योरिटी बन गया था, गारंटर बन गया था, मतलब क्या कंपनी को लोन की जरूरत थी, उस लोन की गारंटी डायरेक्टर ने दे दी, तो इसे हम क्या कहेंगे, श्योरिटी डायरेक्टर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर कंपनी की जानिब से क्रेडिटर को यह कर्ज की रकम वापस नहीं की जाती तो जिम्मेदार कौन होगा भला, बताएं यार आप लोग, कौन जिम्मेदार होगा? वो क्रेडिटर किसको कहेगा भाई लाएं पैसे? जी वो जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर जिसने श्योरिटी दी थी। तो फर्ज करें कि अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो डायरेक्टर भी बैठा हुआ है जिसने जो श्योरिटी था, और मीटिंग के दौरान डिस्कशन ये चल रही है, मामला ये कंसिडर किया जा रहा है, मामला ये जेरे गौर है कि अगर कंपनी कर्ज की रकम वापस ना कर सकी और जिम्मेदारी आ गई इस श्योरिटी पे, डायरेक्टर पे, तो कंपनी फिर इसको इंडेमनिफाई कैसे करेगी, मतलब कॉम्पनसेट कैसे करेगी, इसके नुकसान का इजाला कैसे करेगी? तो जो मामला अंडर कॉन्सिडरेशन था दैट रिलेट्स टू द इंडेमनिफिकेशन, मतलब उसको फिर इंडेमनिफाई हम कैसे करेंगे, उसके नुकसान का इजाला कैसे किया जाएगा, या इंश्योरेंस कवरेज उसकी अगर कल मामला जो था वो अंडर डिस्कशन था उस शॉर्टेड डायरेक्टर, ठीक है। तो अगर मैटर ये अंडर डिस्कशन हो कि कंपनी के डिफॉल्ट करने की सूरत में अगर जिम्मेदारी उस डायरेक्टर पे आ गई जो कंपनी का श्योरिटी था, तो फिर उसको इंडेमनिफाई कैसे किया जाएगा, ये मामला अगर अंडर कंसिडरेशन हो, तो कहते हैं वो डायरेक्टर साहब यहाँ मौजूद भी रह सकते हैं, डिस्कशन में हिस्सा भी ले सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं, कोरम में भी काउंट करेंगे उन्हें।
तो वो वाली ऊपर वाली प्रोविजंस पे यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी इस केस के अंदर। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस थे जी। जी बताएं, समझ आ गया? ठीक है, ये पास पेपर का सवाल है। जरा देखें, थ्योरेटिकल सवाल है, सिंपल सा पास पेपर का ये क्वेश्चन है आपका। और केस स्टडी नहीं है, सिंपल सा सवाल है। और इसमें असल में वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर के एक्सेप्शंस पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट पहले देख लें, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ और वोट ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर इनटू और टू बी एंटर इनटू बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इफ ही इज इन एनी वे whether directly or indirectly concerned or interested in such contract or arrangement। ये तो हो गए स्टेटमेंट। अब आगे रिक्वायरमेंट कहता है, कानून के मुताबिक जरा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें एक्सेप्शंस टू द अबव रूल इफ एनी। तो क्या यही दो एक्सेप्शंस अभी पड़ी थी? कंफर्म कर दे जरा मुझे जी। ए लोगो, यस सर, ओके, चलें, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी पास पेपर का सवाल है, केस स्टडी है, इसको भी देखते हैं जरा। फराज लिमिटेड is considering to enter into a contract with Bari Limited for the construction of its new manufacturing facility. The board of directors of FL has authorized Hasan Ali, जो कि executive director है, उसको authorize किया गया कि वो negotiate करे final price with BL, Bari Limited। अब जरा situation देखिएगा, बड़ी दिलचस्प situation। सारा अली, हु इज अ चीफ एग्जेक्टिव इन बी एल, इज द स्पाउस ऑफ हसन अली। जरा बताएं, कहानी समझ आ रही है? ओ बच्चों, तो ये है सिचुएशन। और अब वो सवाल कर रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हसन अली टुवर्ड्स एफएल अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। तो क्या समझे हैं जी आप? तो कहता है कि जो हसन अली साहब हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर है, इसलिए ये कंपनी के शेयर होल्डर्स का एजेंट है। और जैसे कि हमने पढ़ा कि एक फाइडोशियरी रिलेशनशिप होता है कंपनी के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच में, तो यही रिलेशन यहां भी है। तो जो भी ट्रांजेक्शन होनी है वो गुड फेथ में होनी है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में होनी है। सो इन दिस सिचुएशन जो हसन अली भाई साहब हैं, ही इज कॉन्सिडर्ड टू बी इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द ट्रांजेक्शन। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि स्पाउस है ना यहां पे। सो ही इज इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द ट्रांजेक्शन एज वाई हिज वाइफ इज द चीफ एग्जेक्टिव इन बी एल। तो इसलिए ये फिर हसन अली साहब जो है जनरल नोटिस दे देंगे डायरेक्टर्स को। ठीक है, बताएं जी बच्चों, समझ आ रही? हेलो, ओके, आता है, ओके ओके, चलो ठीक है, डन हो गया। और बाकी ये नोटिस कहाँ देना है ये देखें डायरेक्टर्स की मीटिंग में, और फिर इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के बाद जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, ठीक है, इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी डिस्कस्ड।
क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा जी, और आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय ऑफिसर्स अदर देन डायरेक्टर्स। अभी अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने डायरेक्टर्स के बारे में ये डिस्कस किया कि अगर डायरेक्टर्स में से कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो तो उस डायरेक्टर को फिर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होता है, और यही रिक्वायरमेंट डायरेक्टर के अलावा अदर ऑफिसर के लिए भी है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर के अलावा कोई और ऑफिसर कंपनी का इंटरेस्टेड था तो जिस तरह डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना, उस ऑफिसर के लिए भी वही रिक्वायरमेंट है कि वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करे। ठीक है, बताएं जी। और फिर यहां पे देखें एक रिक्वायरमेंट एडिशनल लिखी हुई है जो पहले नहीं पढ़ी आपने, बोर्ड की अप्रूवल भी ले फिर वो जो ऑफिसर है ले जी। यहां पे हम अपना आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा, आज का आपका होमवर्क ऑब्वियसली जैसे हमेशा कहता हूं इसको आप पढ़ें इन डिटेल, इन डेप्थ पढ़ें, याद करें, जहां कहीं कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए किसी पैराग्राफ किसी जुमले से मुतालिक किसी प्रोविजन से मुतालिक, और वजाहत अगर चाहिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। बिल्कुल भी शर्माना नहीं है और हेजिटेट नहीं करना। ओके हो गया जी।